कि गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर पढ़ाने से पहले कुछ प्लेट्स के बारे में बता देता हूँ। मान लो कि एक ये प्लेट है, कंडक्टिंग प्लेट है, लार्ज साइज है, काफ़ी बड़ा साइज है इसका, ए एरिया है, ठीक है, और थिन है, कंडक्टिंग प्लेट है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैंने क्या करा बेटा, मैंने इसको क्यू चार्ज सप्लाई किया, इस प्लेट को कितना चार्ज सप्लाई किया, क्यू चार्ज। तो हमें जानना है कि इसके इस फेस पे कितना चार्ज आएगा और इस फेस पे कितना चार्ज आएगा। तो कैसे करेंगे बेटा, आपको पता है कंडक्टिंग प्लेट है तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो होगी। ठीक है, तो इस प्लेट इस फेस पे आता है मान लो क्यू, और इस फेस पे आता है मान लो क्यू माइनस क्यू। ठीक है, तो इस वाली प्लेट की वजह से, इस वाले फेस की वजह से जो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस पॉइंट पे, वो इधर होगी, बोलो ई वन। और जो इस वाले फेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इस वाले फेस पे चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस पॉइंट, वो किधर होगी, इधर होगी, और वो होगी कितनी, ई टू। सही है, तो ई वन शुड बी इक्वल टू बेटा ई टू, ई वन ई टू बराबर होने चाहिए। उसका कारण, क्योंकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर कंडक्टिंग प्लेट है क्या होती है, जीरो। तो ई वन, ई वन याद करो क्या होता है, सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन, और सिग्मा बनेगा क्यू अपॉन ए, सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, यहाँ सिग्मा बनेगा क्यू माइनस क्यू अपॉन टू, सॉरी अपॉन ए, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, टू एप्सिलॉन नॉट से टू एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा, तो क्यू की वैल्यू आ जाएगी बेटा क्यू बाई टू, यानी इधर कितना चार्ज आएगा क्यू बाई टू, और इधर भी कितना चार्ज आएगा क्यू बाई टू। कोई चिंता की बात नहीं है, बिल्कुल आसान सी बात है, हम सबको समझ में आई ये बात, सही है। अब मैंने क्या किया बेटा, मैंने इस प्लेट की अर्थिंग करी, मैंने करा इस प्लेट की अर्थिंग करी, देखो कि फिर क्या हुआ, प्लेट की अर्थिंग करने पे क्या हुआ हमें ये देखना होगा। अब ध्यान से देखना सारी चीज़ों को, छोटी छोटी बातें मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ, ठीक है, हालांकि अभी पहले पढ़ चुके हो। ठीक है, मैंने करा इस प्लेट को, इस स्विच से कनेक्ट किया, अर्थिंग वाले स्विच से, ठीक है। तो मुझे पता है स्विच ओपन होने से पहले, सॉरी स्विच क्लोज होने से पहले इस पर चार्ज क्यू बाई टू था कि नहीं था, बोलो। और इस प्लेट का पोटेंशियल क्या था, पोटेंशियल ऑफ दिस प्लेट इज व्हाट, पोटेंशियल ऑफ दिस प्लेट कुछ भी हो, ये कंफर्म है कि पॉजिटिव था। क्या था, पॉजिटिव, क्योंकि इस पर चार्ज पॉजिटिव है। तो अगर पॉजिटिव चार्ज के आसपास बात करते हैं हम, तो पोटेंशियल क्या होता है, पॉजिटिव। अगर नेगेटिव चार्ज के आसपास बात करते हैं तो पोटेंशियल क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है ना। और शर्त क्या है कि पॉजिटिव चार्ज के आसपास कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है हमारे पास, है ना, यहाँ पे कोई और नेगेटिव चार्ज तो नहीं है ना बेटा, तो इसका पोटेंशियल क्या होगा, पॉजिटिव, प्योर पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव चार्ज ही है सिर्फ, ठीक है। अब जैसे ही व्हेन स्विच इज क्लोज्ड, जैसे ही स्विच बंद किया क्या होगा बेटा, पोटेंशियल प्लेट का क्या बन जाएगा, जीरो। पोटेंशियल ऑफ प्लेट विल बिकम, पोटेंशियल ऑफ प्लेट विल बिकम जीरो, प्लेट का पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। अब प्लेट का पोटेंशियल जीरो हो जाएगा तो क्या होगा बेटा, देखो मेरी बात सुनो, जैसे ही मैंने स्विच क्लोज किया प्लेट का पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, तो अर्थ से चार्ज किस पे आएगा, प्लेट पे आएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और प्लेट का पोटेंशियल जीरो होने का मतलब प्लेट का पोटेंशियल जीरो होने का मतलब प्लेट पे चार्ज भी जीरो हो गया, क्योंकि अगर प्लेट पे कुछ ना कुछ चार्ज रह गया, कोई और चार्ज तो नहीं है ना आसपास, कोई और चार्ज आसपास नहीं है, तो पोटेंशियल जो भी होगा प्लेट का, वो प्लेट पे चार्ज की वजह से होगा। इतनी बात तो समझ में आती है, जो भी प्लेट का पोटेंशियल होगा वो किसकी वजह से होगा, प्लेट पे चार्ज की वजह से, सही है। तो प्लेट पे चार्ज क्या होगा, जीरो होगा फाइनली, क्योंकि प्लेट का पोटेंशियल क्या हो चुका है, जीरो हो चुका है। फाइनल चार्ज ऑन प्लेट विल बिकम जीरो, क्यों होगा, जीरो पोटेंशियल करने के लिए, किस लिए, जीरो पोटेंशियल करने के लिए, क्योंकि आइसोलेटेड प्लेट है ये, हम जीरो, अगर जीरो चार्ज होगा तो क्या होगा बेटा, अर्थ से माइनस क्यू चार्ज, अर्थ से माइनस क्यू चार्ज पूरी प्लेट पे आ जाएगा, जो इस प्लस क्यू बाई टू और प्लस क्यू बाई टू को क्या कर देगा, नलीफाई कर देगा, क्या कर देगा, नलीफाई कर देगा। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ तक, सही है। तो फाइनल चार्ज जीरो हो गया, तो मतलब अगर मैं देखूँ सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई, ये प्लेट है मेरी और इसको अर्थ कर रखा है, इसको क्या कर रखा है मैंने, अर्थ से जोड़ रखा है, कनेक्ट कर रखा है इस प्लेट को, तो इस पर चार्ज कितना है, जीरो।
और इसमें भी चार्ज कितना है, जीरो। अगर प्लेट अर्थ से कनेक्ट नहीं होती, सिंपल पड़ी रहती है, तो चार्ज कितना हो जाता है, q/2 q/2 आ जाता है। हमें ये दो बातें आसानी से और आराम से समझ में आई। मैं तीसरी कैटेगरी लेके आ रहा हूँ, जब मैं क्या करता हूँ, दो प्लेट्स रखता हूँ आइडेंटिकल, एक चार्ज रखता हूँ और एक अनचार्ज रखता हूँ। अब क्या होगा बेटा, इसको भी देख लेते हैं। तीसरी कैटेगरी भी पढ़नी ज़रूरी है, ठीक है, फिर बातें डिटेल में धीरे धीरे हम करेंगे सारी। तीसरी कैटेगरी करी मैंने एक प्लेट ये ली, कंडक्टिंग प्लेट, ठीक है, इसका क्या चार्ज है, इस पर कितना चार्ज है बेटा, क्यू चार्ज है। और एक इसके सामने एक और कंडक्टिंग प्लेट ले ली, ये मैंने अनचार्ज ले ली। कैसी ले ली ये प्लेट, अनचार्ज, शुरू में अनचार्ज है, ठीक है, हाँ जी, कोई अर्थिंग वर्थिंग कुछ नहीं है, ठीक है। क्या होगा, आप सब जानते हैं, इस पर क्यों हिस्सा आएगा, इस पर क्यों माइनस क्यों हिस्सा आएगा, कंडक्टिंग प्लेट के इस फेस की वजह से इसके सामने क्यों चार्ज रखा है, तो कैसा चार्ज आएगा, माइनस क्यों आएगा, और क्योंकि ये अनचार्ज है तो इसका चार्ज फाइनली इधर क्या आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि टोटल मिला के चार्ज इस पर अभी भी क्या होना है, जीरो होना, आइसोलेटेड है, अलग है ना ये प्लेट, बोलो सही बात है, ग्राउंड ग्राउंड से कनेक्टेड नहीं है। अच्छा, अगर आपसे पूछे, अगर आपसे कोई बोले कि इस ये प्लेट अनचार्ज है, ये प्लेट क्या है, अनचार्ज, तो क्या यहाँ पे पोटेंशियल जीरो है, तो क्या यहाँ पे पोटेंशियल जीरो है, तो आप बोलोगे नहीं, यहाँ पे पोटेंशियल जीरो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल दो चीज़ों की वजह से है, यहाँ पर पोटेंशियल दो चीज़ों की वजह से है, खुद के चार्ज की वजह से और एक इस प्लेट के चार्ज की वजह से। यहाँ पे ये भी, ये इसके, अगर यहाँ पे पोटेंशियल देखना चाहते हो तो इस चार्ज की वजह से भी तो पोटेंशियल होगा यहाँ पे, बोलो, तो इस चार्ज की वजह से जो भी पोटेंशियल होगा, पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव ही होगा, सही है, और खुद पे चार्ज की वजह से पोटेंशियल क्या होगा, जीरो, की टोटल चार्ज खुद पे क्या है, जीरो, तो टोटल पोटेंशियल इस प्लेट का क्या होगा, पॉजिटिव होगा, जीरो नहीं होगा, ठीक है ना, टोटल पोटेंशियल इस प्लेट का क्या होगा, पॉजिटिव, जीरो नहीं होगा, ठीक है। अब देखो मेरी बात सुनो, आप क्या करते हो, कंडक्टिंग प्लेट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो करने के लिए आप किसी भी प्लेट को पकड़ लो, इस पॉइंट को पकड़ लो, देखो मेरी बात सुनो, ये क्यू माइनस क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा उधर, बोलो, ये क्यू माइनस क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा उधर, ये क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा इधर, ये माइनस क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा इधर, और ये क्यू और इस माइनस क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड कट जाएगी, बोलो, सेम चार्ज है, अरे बोलो, और ये क्यू, ये वाला क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा उधर, तो कुल मिला के ये दोनों तो कट गए, इस क्यू माइनस क्यू ने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई इधर, तो क्यू माइनस क्यू सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, और इस क्यू ने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई इधर, बराबर होनी चाहिए क्यू अपॉन ए टू एप्सिलॉन नॉट, ये कट गया तो कितना आ गया बेटा, ये आ गया क्यू, आ गया क्यू बाय टू, क्यों क्यू बाय टू आ गया, मतलब इधर क्यू बाय टू चार्ज आ गया, इधर क्यू बाय टू चार्ज आ गया, इधर माइनस क्यू बाय टू चार्ज आ गया, और इधर क्या आ गया, क्यू बाय टू चार्ज आ गया। समझ में आई मेरी बात, पक्का, कोई चिंता वाली बात नहीं है, बिल्कुल सही बात है। अब मेरी बात और अच्छे से सुनो, देखो इस पर अगर पॉजिटिव चार्ज आ गया क्यू बाय टू, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी किस वजह से, मैं बताता हूँ मैं आपको, रुको जरा ढंग से समझाता हूँ सारी चीज़ें, परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से होगी, इस क्यू की वजह से रिपेल, इस क्यू की वजह से रिपेल हो गया, इस माइनस क्यू की वजह से अट्रैक्ट, इस क्यू की वजह से फिर रिपेल, ये इंड्यूस की वजह से दोनों की वजह से जीरो होगी फिर से। अब इस क्यू की वजह से रिपेल है और इस क्यू माइनस क्यू की वजह से क्या है, रिपेल है, तो दोनों की वजह से ऐड होगी, यानी ये क्यू बाय टू और इस क्यू बाय टू दोनों की वजह से ऐड होगी, तो कितना आएगा, क्यू बाय टू ए एप्सिलॉन नॉट इंटू टू, सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट होता है ना, क्या होता है, सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा तो आ गया क्यू बाय टू अपॉन ए, और नीचे एक टू भी तो बचा, और दोनों के ऐसे ऐड हो गए तो टू से मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया टोटल मिला के सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट, क्या आ गई, सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बोलो। और सिग्मा क्या है, सिग्मा इस सरफेस चार्ज, इस सरफेस की डेंसिटी है सिग्मा, इसकी भी क्या है, सिग्मा, इसकी क्या है, सिग्मा, और इसकी क्या है, माइनस सिग्मा। समझ में आई मेरी बात, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है सेम उसी तरीके से आप देखोगे तो इधर भी आएगी सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो एनर्जी तो इधर भी है, एनर्जी तो इधर भी है, एनर्जी इधर भी है, और एनर्जी बीच में भी है मेरे भाई, क्यू बाय टू से माइनस क्यू बाय टू। समझ में आ रही है मेरी बात, बोलो, एनर्जी बीच में भी है दोनों प्लेट्स के, एनर्जी इधर भी है और एनर्जी इधर भी है, ठीक है। अब मैं इस कैपेसिटेंस की बात कर रहा हूँ, इस हिस्से ही कैपेसिटेंस की, कैपेसिटेंस
ठीक है ना, दो प्लेट्स के जितनी एनर्जी स्टोर है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ना कि एक प्लेट और इन्फानाइट के बीच में जो एनर्जी स्टोर है उसको नहीं पढ़ रहा हूँ मैं, ना मैं इस प्लेट और इन्फानाइट के बीच में जो एनर्जी स्टोर है उसको भी नहीं पढ़ रहा हूँ। मैं किसको पढ़ रहा हूँ? दोनों प्लेट्स के बीच में जो एनर्जी स्टोर है, दोनों प्लेट्स के बीच में जो एनर्जी स्टोर है मैं उसको पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो अब क्या होगा बेटा? कैपेसिटेंस, इसकी अगर कैपेसिटेंस क्या है? सी है। इसकी कैपेसिटेंस क्या है? सी। तो पोटेंशियल डिफरेंस, अगर ये ए प्लेट है ये बी प्लेट है, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वी ए माइनस वी बी, वो होता है चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस। और चार्ज कौन सा आएगा? क्यू बाय टू। चार्ज कौन सा आएगा बेटा? क्यू बाय टू, जो बीच में चार्ज है। समझ में आई? तो कुल मिला के पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों प्लेट्स के बीच में, कुल मिला के पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों प्लेट्स के बीच में रहेगा किस वजह से? इनर चार्जेस की वजह से। किसकी वजह से? इनर चार्जेस की वजह से। इस बात को आपको दिमाग में रखना होगा। अब मैं करता हूँ फोर्थ में, फोर्थ केस में इस वाली प्लेट को अर्थ कर देता हूँ। देखो अब ध्यान से क्या होगा। फोर्थ वाले केस में अनचार्ज प्लेट थी ना जो, उसको क्या कर देता हूँ? अर्थ कर देता हूँ। अगर मैं उस प्लेट को अर्थ कर दूंगा तो क्या होगा, हमें ये चीज़ देखनी होगी। देखो देखो बेटा ध्यान से, मैंने एक ये प्लेट ली, ये लार्ज प्लेट है ठीक है ना, और एक ये प्लेट ली, आइडेंटिकल, दोनों प्लेट्स आइडेंटिकल हैं, इसका भी एरिया ये है, इसका भी एरिया ये है ठीक है, और इसको स्विच से कनेक्ट कर दिया, जो स्विच किससे कनेक्ट है? अर्थ से कनेक्ट है, इसको अर्थ कर दिया, ये अनचार्ज है, इस पर क्यों चार्ज था? तो अभी स्विच बंद करने से पहले, स्विच बंद करने से पहले तो ये कहानी थी, इस पर क्यू बाय टू, इधर क्यू बाय टू, इधर माइनस क्यू बाय टू, इधर क्यू बाय टू, लिख लेते हैं एक बार। इधर क्या था? क्यू बाय टू था स्विच बंद करने से पहले, इधर भी क्यू बाय टू था, इधर माइनस क्यू बाय टू था, और इधर क्यू बाय टू था स्विच बंद करने से पहले, ऐसा था। कहानी समझना, स्विच बंद करने से पहले ऐसा था। अब क्या हुआ? अब मेरी बात सुनो, जैसे ही मैंने स्विच बंद कर दिया, इस प्लेट का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। पोटेंशियल ऑफ दिस प्लेट विल बिकम जीरो। पोटेंशियल ऑफ, इसको ए नाम दे दो, इसको बी नाम दे दो, पोटेंशियल ऑफ प्लेट बी विल बिकम जीरो। इस प्लेट का पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। अब देखो कहानी सुनना क्या होगा, मजेदार कहानी आएगी। देखो मेरी बात सुनो, इस प्लेट का रियलिटी में पोटेंशियल क्या है? पॉजिटिव है, जीरो है कि नेगेटिव है स्विच बंद करने से पहले? फिर से दोहरा रहा हूँ, स्विच बंद करने से पहले इस प्लेट का पोटेंशियल पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो है? पहले तो मुझे ये डिसाइड करना होगा। तो आपको देखो मेरी बात सुनो, ये प्लेट स्विच बंद करने से पहले अनचार्ज थी। देखो स्विच बंद करने से पहले इधर माइनस क्यू भी था, क्यू प्लस क्यू बाई टू भी था, सही बात है। इस प्लेट का पोटेंशियल खुद के चार्ज की वजह से जीरो था, एक नंबर बात। इस प्लेट का पोटेंशियल इस चार्ज की वजह से, इस प्लेट पे जो चार्ज है उसकी वजह से पॉजिटिव था। तो टोटल पोटेंशियल इस प्लेट का सबकी वजह से पॉजिटिव हुआ। क्या हुआ? पॉजिटिव हुआ। अब अर्थ से कनेक्ट करने के बाद, अर्थ से कनेक्ट करने के बाद इस प्लेट का पोटेंशियल जीरो होगा। अर्थ से कनेक्ट करने के बाद इस प्लेट का पोटेंशियल जीरो होगा, तो पॉजिटिव पोटेंशियल से, इस प्लेट के पॉजिटिव पोटेंशियल से जीरो पोटेंशियल की तरफ जाना है, तो इस प्लेट पे क्या आएगा? अर्थ से इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, अर्थ से नेगेटिव चार्ज आएगा। लिख रहा हूं मैं, नेगेटिव चार्ज फ्लो फ्रॉम अर्थ टू प्लेट, अर्थ से प्लेट की तरफ नेगेटिव चार्ज आना शुरू हो जाएगा। बहुत सुंदर। अच्छा और देखो, अब क्या होगा? ध्यानपूर्वक देखो, जैसे ही अर्थ से, देखो इस पे जो पॉजिटिव चार्ज है पहले तो वो नलीफाई होगा, सही बात है, इस पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो नलीफाई होगा, तो अर्थ से नेगेटिव चार्ज आना शुरू हो जाएगा, तो ये वाला क्यू बाय टू धीरे धीरे घटना शुरू हो जाएगा, ये वाला q बाय टू धीरे धीरे घटना शुरू हो जाएगा। बहुत ध्यान से देखो, ये वाला q बाय टू धीरे धीरे घटना शुरू हो जाएगा। तो अगर मेरे को क्या करना है, कंडक्टिंग प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो करनी है, कंडक्टिंग प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो करनी है, तो आउटर चार्जेस सेम होते हैं। आउटर चार्जेस क्या होते हैं? सेम होते हैं। बोलो मैंने सीखा कि नहीं सीखा? क्यों? क्योंकि अंदर वाले तो कट जाते हैं। अगर यहाँ पर देखूँ तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इनर चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तो कट ही जाती है।
आउटर चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, सेम होती है और अपोजिट होती है। सेम तब होगी जब चार्ज भी सेम होंगे, क्योंकि प्लेट आइडेंटिकल है, सही बात है। तो ये वाला चार्ज घटना शुरू हुआ पॉजिटिव में धीरे धीरे, तो ये भी अपने आप घटना शुरू हुआ। देखते चलो क्या हो रहा है। ये वाला चार्ज धीरे धीरे घटना शुरू हुआ, तो ये वाला चार्ज भी धीरे धीरे घटना शुरू हुआ। लेकिन ये चार्ज, ये प्लेट आइसोलेटेड है, इसका चार्ज कंजर्व है, इस प्लेट का चार्ज कंजर्व है। तो जितना चार्ज यहां से घटना शुरू हुआ, धीरे धीरे इस वाले फेस पे उतना ही चार्ज बढ़ना शुरू हुआ। आई कहानी समझ में, दोबारा दोहरा रहा हूं। सबसे पहली बात, मुझे क्या करना है, कनेक्टिंग प्लेट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो करनी है, एक तो कंडीशन ये लगानी है, और एक प्लेट का पोटेंशियल जीरो है, मुझे एक कंडीशन ये लगानी है। दो कंडीशन है मेरे पास, एक तो दोनों प्लेट्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, कंडक्टिंग है, एक इस प्लेट का पोटेंशियल जीरो है। ये दो कंडीशन मेरे को फुलफिल करानी है। अब कहानी सुनो, मैं बोल रहा हूं कि इस प्लेट का पोटेंशियल पॉजिटिव है, इस प्लेट का अगर पोटेंशियल पॉजिटिव है, इस प्लेट का पोटेंशियल मुझे क्या करना है, जीरो करना है। तो अर्थ से नेगेटिव चार्ज इस प्लेट पर फ्लो होगा, ठीक है, नेगेटिव चार्ज फ्लो हो रहा है, तो इस प्लस चार्ज को क्या करेगा, वो कम करेगा, नलीफाई करेगा। सबसे पहले धीरे धीरे कम करता जाएगा इस प्लस चार्ज, ये वाला प्लस चार्ज अगर कम होता जाएगा तो ये वाला प्लस चार्ज भी कम होता जाएगा, कि ये दोनों चार्जेस सेम रखने हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो करने के लिए, समझे। अब ये वाला चार्ज ग्रेजुअली डिक्रीज करने लगेगा, ये वाला चार्ज ग्रेजुअली इंक्रीज करने लगेगा, ये चार्ज ग्रेजुअली इंक्रीज करेगा, तो ये नेगेटिव चार्ज इंडक्शन की वजह से ग्रेजुअली इंक्रीज करने लगेगा। बोलो समझ में आ रही है मेरी बात। ये चार्ज घटता 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 कितना कम हो सकता है मैक्सिमम, ये अपने चार्ज, बेटा यहाँ पे चार्ज, सबसे पहले ये प्लस क्यू बाई टू खत्म हुआ, प्लस क्यू बाई टू खत्म हुआ, तो यहाँ जीरो आ गया, यहाँ क्या आ गया, जीरो आ गया। अब ध्यान से सुनो, ये प्लस क्यू बाई टू खत्म हुआ, पॉजिटिव चार्ज खत्म हुआ इस प्लेट पे, तो जीरो आ गया यहाँ पे। मैं दोबारा बना रहा हूँ, देखो ध्यान से, ये प्लस क्यू बाई टू खत्म हुआ, चार्ज यहाँ जीरो आ गया, तो यहाँ भी जीरो बनेगा। अब यहाँ तो एक्चुअली में क्यू बाई टू चार्ज था और ये प्लेट आइसोलेटेड थी, तो क्या होगा, यहाँ पर ये वाला क्यू बाई टू इधर फ्लो कर जाएगा, तो इस पे इधर क्यू हो जाएगा, इस पे इधर क्यू हो गया, तो इस पे इधर क्या हो गया, माइनस क्यू हो गया। अब इस प्लेट की वजह से जितना यहाँ पॉजिटिव पोटेंशियल है, इस प्लेट की वजह से उतना ही यहाँ नेगेटिव पोटेंशियल है, और टोटल पोटेंशियल इस प्लेट पे अब क्या हो चुका है, जीरो हो चुका है। और इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो है कि आउटर चार्जेस सेम, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो है कनेक्टिंग प्लेट के, वो कहाँ से पता चलता है, क्योंकि आउटर चार्जेस क्या हैं, सेम है, वो फिलहाल जीरो ही है। समझ में आई मेरी बात। और देखो इस पॉजिटिव, देखो ये नेगेटिव प्लेट है ना, इस नेगेटिव प्लेट की वजह से जितना पोटेंशियल है इसका, उतना ही पोटेंशियल इस पॉजिटिव प्लेट की वजह से पॉजिटिव है यहाँ पे, ताकि टोटल पोटेंशियल यहाँ पे क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। बेटा आपको बात समझ में आ रही है। तो दोनों कंडीशन हमारी फुलफिल हो चुकी हैं, तो हम क्या बोलेंगे, ये फाइनल अरेंजमेंट है, दिस इज द फाइनल अरेंजमेंट। समझ में आ रही है आपको बात की, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सही है बेटा, पक्का। अब देखो यहाँ से, ध्यान से देखो, इस वाले फेस पे कोई चार्ज नहीं है, इस वाले फेस पे कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। इसका पोटेंशियल है जीरो, इसका पोटेंशियल है जीरो। दूर चलते जाओ, यहाँ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो। क्यों? क्योंकि ये क्यू वाला रिपेल करेगा और माइनस क्यू वाला अट्रैक्ट कर लेगा, सेपरेशन पे तो डिपेंड करता ही नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ जीरो है, तो यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो है। लेकिन इस प्लेट का पोटेंशियल पॉजिटिव है, बोलो ये क्या है, वी है। ये क्या है, इस प्लेट का पोटेंशियल वी है, सही है। तो इधर इन्फिनिटी तक जाते हुए इस प्लेट का पोटेंशियल क्या रह रहा है, तो इस इन्फिनिटी तक यहाँ पर इस पॉइंट पर पोटेंशियल बात करूँ, इस प्लेट पॉइंट पर पोटेंशियल की बात करूँ, इस प्लेट पर पोटेंशियल की बात करूँ, तो सारी जगह पोटेंशियल क्या है, वी है। ऐसे इस प्लेट पर पोटेंशियल की बात करूँ तो जीरो है, इधर भी क्या है, सारी जगह जीरो। और यहाँ वी ए से वी वी पोटेंशियल जा रहा है, पोटेंशियल धीरे धीरे कॉन्टीन्यूसली घट रहा है। यहाँ पोटेंशियल हर जगह पे वी ए है, यहाँ हर जगह पे वी ए है, और यहाँ हर जगह पे जीरो है, यहाँ हर जगह पे क्या है, जीरो है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो है। समझ में आ रही है मेरी बात, पक्का। तो ये एनालिसिस भी हम कर सकते हैं।
तो ये चारों पॉइंट्स हमें समझ में आने चाहिए। अब मैं आपको कैपेसिटर की वर्किंग बताऊंगा कैसे हो रही है।